इंडिया गठबंधन के दलों को जिस बात की आशंका थी वो पूरी तरह से सच साबित हुई। ये पूरा जो इंडिया घटक दलों एनडीए घटक दलों को जो मंत्रालय मिला है, वो मंत्रालय अगर आप देखेंगे तो उस मंत्रालय की सूची में एनडीए के घटक दलों को ना तो गृह मिला, ना रक्षा मिला, ना वित्त मिला, ना विदेश मिला, ना वाणिज्य मिला, ना रेल मिला, ना सड़क मिला, ना कृषि मिला, ना शिक्षा मिला, ना स्वास्थ्य मिला, ना दूरसंचार मिला, खाली हाथ में झुंझुना मंत्रालय मिला, झुंझुना मंत्रालय। और ये पहला संकेत है, भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे संकेत दिया है कि जो उनकी प्रवृत्ति है, कार्य करने की शैली है, अपने घटक दलों को धीरे धीरे करके समाप्त करना, खत्म करना, उनको अपमानित करना, उनकी ताकत को समाप्त करना, मंत्रालय के बंटवारे के बाद इसकी शुरुआत हो गई है। हमने पहले भी ऐसा देखा, जब नवीन पटनायक जी के साथ थे उनके साथ क्या बर्ताव किया, उद्धव ठाकरे जी की तीर कमान चुरा ली महाराष्ट्र में, उनकी पार्टी तोड़ दी, शरद पवार जी की घड़ी चुरा ली, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, कर्नाटक में सरकार गिराई, उत्तराखंड में गिराई, अरुणाचल में गिराई, गोवा में जोड़ तोड़ करके बनाई, महाराष्ट्र में सरकार गिराई, तो पूरे देश में जोड़ तोड़ करके, विधायकों की खरीद फरोख्त करके, सांसदों की खरीद फरोख्त करके इन्होंने पार्टियों को तोड़ा है 10 साल में। और ये झुंझुना मंत्रालय जो दिया है इन्होंने एनडीए के घटक दलों को, अगला चरण इनकी पार्टियों को खत्म करने का होगा, क्योंकि जो जो बातें हम लोग कहते हैं लगभग सच साबित होती है। और वो कैसे होगा, गलती से अगर बीजेपी का स्पीकर बन गया तो उसके 3 बड़े खतरे हैं। नंबर 1 खतरा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। नंबर 2 खतरा, एनडीए के घटक दलों को, टीडीपी को, जेडीयू को, जेडीएस को, आरएलडी को, चिराग पासवान जी की पार्टी को, इन सारी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, छोटी से लेके बड़ी तक की पार्टियां हैं, पवन कल्याण जी की पार्टी है, इन सारी पार्टियों को तोड़ तोड़ के बीजेपी के साथ मिलाया जाएगा। और तीसरा, कोई भी मनमाना बिल सरकार लेके आएगी और जो भी सांसद आवाज उठाएगा मार्शल से उसको बाहर फेंकवा दिया जाएगा। भारतीय संसदीय इतिहास में 150 सांसद पहली बार मोदी जी की सरकार ने निलंबित किया था। और यह कहने की बात होती है कि यह तो लोकसभा अध्यक्ष का फैसला है, यह तो राज्यसभा के अध्यक्ष का फैसला है, निलंबन का प्रस्ताव सरकार लेके आती है, संसदीय कार्य मंत्री निलंबन का प्रस्ताव रखते हैं और सांसदों को निलंबित करके बाहर किया जाता है। और कम से कम एक विषय में मेरी सलाह जरूर माननी चाहिए सांसदों को, क्योंकि सबसे ज्यादा भुक्तभोगी निलंबन की कार्रवाइयों का और मार्शल के द्वारा बाहर फेंके जाने की कार्रवाइयों का मैं रहा हूं। बीजेपी वाले चिल्ला चिल्ला के कहते हैं 56 बार बेल में गए 6 साल के अंदर, कोई अपनी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं गया, जनता के मुद्दे उठाए, कभी किसान के सवाल, कभी नौजवान के सवाल, कभी पहलवान के सवाल, कभी मणिपुर के सवाल, कभी शिक्षा मित्र के सवाल, कभी ओल्ड पेंशन के सवाल, और मुझे निलंबित किया गया, बाहर किया गया। तो मैं अभी भी इस घटना के बाद कि एनडीए के घटक दलों को झुंझुना मंत्रालय मिला है, मैं टीडीपी जेडीयू जैसे दलों से अनुरोध करूंगा
कि कम से कम स्पीकर अपना बनाइए।